आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स वेरी वेलकम, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और दो दिनों से जिस तरह से हमने फ्राइडे और मंडे का सेशन देखा मार्केट में, तो एक अच्छा डाउनसाइड हमें देखने को मिला मार्केट में। अब निफ्टी की पी भी इस वक्त लगभग 26.6 के अराउंड है एंड स्टिल अभी भी मोर डाउनसाइड स्टिल पेंडिंग है, क्योंकि अभी ये एक्सपायरी वीक चल रहा है, थर्सडे एक्सपायरी डे रहेगा। सो लेट्स सी कि थर्सडे तक मार्केट में क्या सिचुएशन रहती है। बट आज मार्केट जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल 11,000 का जो है उसके नीचे की तरफ ही उसने क्लोजिंग दी है। तो ये एक चिंता का विषय है थोड़ा सा, ये देखने वाली बात है कि अभी मार्केट में कितनी ज़्यादा गिरावट संभव है। बट फिलहाल हम ये मान के चलते हैं, चूँकि अब 11,000 का स्तर टूट चुका है, तो जो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो जो फ्राइडे का लो था हम उसको मान के चलते हैं। और फ्राइडे के लो लगभग 10,870 रुपीज़ का था। इस वक्त बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, चूँकि यू नो डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट बिलो 10 की RSI पे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि इस ज़बरदस्त गिरावट के दौरान भी, जबकि हमने फ्राइडे को लगभग 1500 पॉइंट की गिरावट देखी, मंडे को भी हमने लगभग हालांकि फ्राइडे को रिकवरी हो चुकी थी मार्केट में, बट मंडे को अगर हम देखेंगे तो लगभग 180-185 के आसपास निफ्टी में गिरावट है और 500 पॉइंट में गिरावट लगभग सेंसेक्स में रही है। इस दौरान बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स थे, जैसे कि हमने अभी आपको पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, जिसने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा, गिरावट में गिरी नहीं। कुछ ऐसा ही स्टॉक आज हम पेपर इंडस्ट्री के बारे में लेके आए हैं, जो कि मार्केट में गिरावट के दौर में गिरा, लेकिन उस रेशो में नहीं गिरा और उतनी स्पीडी उसने फॉल नहीं दिखाया जिस तरह से मार्केट में फॉल आया। मतलब एक नॉर्मली जो गिरावट होती है, करेक्शन होता है, केवल वो उस मोड में चला, ठीक है। तो ये स्टॉक वैसे भी पेपर इंडस्ट्री का दिग्गज स्टॉक है, बहुत ही शानदार इसका बिजनेस चल रहा है। और अगर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो पिछले 5 क्वार्टर्स की बात कर लें या पिछले 5 सालों की बात कर लें, इस स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है बीते समय में। और आने वाला जो फ्यूचर है, जिस तरह से इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट का के चलते जो पॉलीबैग्स और पॉलीथीन्स का, जो प्लास्टिक का जो बिजनेस है, जो प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर कम फोकस करते हुए अब पेपर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है, चाहे वो पैकेजिंग सेक्टर में हो, चाहे वो यू नो कुछ अदर सेक्टर्स की बात करें, जहाँ कि आप बैनर्स की बात करते हैं, पोस्टर्स की बात करते हैं, डायरीज वगैरह बनती हैं, पैकिंग होती हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स में हो, चाहे वो आपकी ऑफिस स्टेशनरीज हो गई, कुछ भी हो गया, वहाँ पर आप पेपर इंडस्ट्री का जो स्कोप मुझे नज़र आता है वो आगे बहुत ही ब्राइट और चमकता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इको फ्रेंडली में जो पेपर इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। एंड आज का स्टॉक बेस्ट स्टॉक है जो कि पेपर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहता है तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। हमारा हमारा टेलीग्राम का नंबर है 7217718769। और ज्वाइनिंग फीस जो है वो केवल अगर आप मंथली ज्वाइन करते हैं तो 600 रुपीज़ पर मंथ की इसकी ज्वाइनिंग फीस रहेगी। बाकी अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। टेलीग्राम अगर आपके फ़ोन पे इंस्टॉल नहीं है तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ। टेलीग्राम ऐप जस्ट लाइक व्हाट्सएप की तरह, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं एंड नंबर्स को ऐड करने के बाद आप उनसे टेक्स्ट मैसेजेस का आदान प्रदान कर पाते हैं, उसी प्रकार से टेलीग्राम भी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और मेरा ये नंबर 7217718769 कॉन्टैक्ट में ऐड करके आप मुझे टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो गाइस देखते हैं कौन सा स्टॉक है, आप पोजीशन को बना के रखिएगा। और यू नो मार्केट में इस वक्त पैनिक सिचुएशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप स्टॉक को अभी ख़रीद लीजिएगा, मैं आपको लेवल्स बताऊँगा कब ख़रीदना है। बट इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको मैं पहले ही बता दूँ कि ये स्टॉक आपको कहाँ पर मिलने वाला है और आप इसको अगले 2-3 दिन, यानी कि इवन थर्सडे तक जब तक मार्केट की एक्सपायरी है, अगले 2-3 दिन तो एटलीस्ट इसको वॉच कीजिए, इसके मोमेंटम को वॉच कीजिए और उसके बाद जो भी आपको बेस्ट प्राइस मिले वहाँ पर आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में ऐड करना शुरू कीजिए। आप लोग जनरली बहुत ही बल्क में कभी कभी ख़रीदते हैं, वहाँ पर आपको पैनिक हो जाता है, बट
कोशिश कीजिएगा स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज 100-200 शेयर्स अगर आप एवरी मंथ परचेज करते हैं तो ये स्टॉक अगले 12 से 18 या 12 से 24 महीने में आपको यहाँ से अपने करंट प्राइस से दुगने तक के लेवल्स दिखा सकता है। सो दोस्तों ये स्टॉक कोई और नहीं जेके पेपर लिमिटेड है और जेके पेपर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो लोग वीडियो को बहुत जल्दी में ख़त्म करना चाहते हैं उनके लिए बस ये स्क्रीन ही इनफ है। आप करंट प्राइस 163.6 का है, सपोर्ट जो चल रहा है इसका पहला सपोर्ट 156 पे होगा, यानी कि अगर 156 पे आता है ये स्टॉक आपके भाग्यवश तो आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। और इन केस एनी वर्स्ट काइंड ऑफ सिनेरियो अगर बहुत ही बुरी तरह से निफ्टी पिट जाता है और ये स्टॉक आपको 140-147 की रेंज में दिखाई देता है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जेके पेपर्स में अगले 12 से 24 महीने के लिए, क्योंकि ये स्टॉक अगले 12 से 24 महीने में आपको 270 प्लस के टारगेट्स दिखाने वाला है। एंड जो 12 से 18 महीने का मैंने यहाँ पर टाइम दिया है, आप उसको जितना लंबा टाइम में होल्ड करेंगे उतना ही ऊपर चलते चले जाएंगे और ये स्टॉक जो है वो मल्टीप्लाई में आने वाले समय में आपको रिटर्न देगा। सो गाइस जो लोग वीडियो को छोटे में देखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो यहीं समाप्त हो चुका है और आप लोग वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो मेरे साथ बने रहे। चैनल को अगर आप लोगों ने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अगर बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं, कुछ फंडामेंटल्स पर नज़र मारते हैं और क्यों हम इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ऐसा खास है और क्या इसकी पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग एक बार मनी कंट्रोल की साइड पर लेके चलते हैं आप सभी को। सो जेके पेपर लिमिटेड, इसका बीएससी का कोड 532162, इसका बीएससी का कोड है। एंड जेके पेपर इसका एनएससी का कोड है, सेक्टर इसका पेपर सेक्टर है। 163.05 का लेवल इसका एनएससी के अंदर एंड 163.6 का लेवल इसका बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। एंड अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो लगभग 2900 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटल है। स्मॉल कैप सेगमेंट का स्टॉक है ये और 92.49 की इसकी बुक वैल्यू, और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 1.77 के रेशियो में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड परसेंटेज 25% एंड इंडस्ट्री पी 14.95 की है, जबकि जो फेस वैल्यू है वो स्टॉक की 10 है। आप देखेंगे जो मंडे की डिलीवरी है इसकी वो लगभग 54% के आसपास की इसकी डिलीवरी रही है। सो ओवरऑल ये बेसिक इसका स्टैंडर्डोन या कंसोलिडेटेड जो भी नंबर्स हैं उसके बारे में बात किया। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगभग 49% के आसपास है, 1% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 1% इंश्योरेंस कंपनीज के पास है और लगभग 6.5% की ओन जो है वो QFI यानी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। एनी अदर्स भी हैं कुछ जिसमें कि 4.38% की होल्डिंग्स हैं। अगर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जिनकी मार्केट कैपिटल 2 लाख से नीचे का निवेश है तो वो लगभग 20.61% इंडिविजुअल्स के पास है। एंड एनी अदर जिसमें कि चाहे वो यू नो प्रमोटर्स के रिलेटिव्स आ सकते हैं, कुछ NBFCs आ सकते हैं या अदर इंपॉर्टेंट पर्सन आ सकते हैं, उनके पास लगभग 17.5% का स्टेक है। सो ओवरऑल ये इस तरह से 100% बना हुआ है, किसी भी तरह की शेयर प्लेजिंग नहीं है। और अगर हम लोग बात करेंगे पीयर सेगमेंट में तो इसके पीयर्स के बारे में मैं आपको जरूर दिखा देना चाहता हूँ कि पीयर सेगमेंट में जेके पेपर इज द से ऊपर केवल जेके पेपर का जो मार्केट कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा है 2900 करोड़ का। सेल्स टर्नओवर केवल और केवल तमिल न्यूज़ प्रिंट का ही है 3098 करोड़ का, बट 3098 करोड़ का इनका टर्नओवर होने के बावजूद भी इनको 42 करोड़ का लॉस है, जबकि 2844 करोड़ का सेल्स टर्नओवर है सेकेंड हाइएस्ट जेके पेपर का, जिसका नेट प्रॉफिट सबसे हाइएस्ट है 260 करोड़ का। तो ये लीडर है अगर अपने सेगमेंट में बात करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में बात करते हैं। और जो टोटल एसेट है वो 2693 करोड़ है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर तमिल न्यूज़ प्रिंट। ओके, तो ये हमने आपको पीयर्स के बारे में बताया, साथ ही फाइनेंशियल्स के बारे में भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, फंडामेंटल्स को देखना चाहते हैं तो हम लोग आपके साथ फंडामेंटल्स शेयर कर देते हैं। सो दैट आपको भी एक यू नो एक ट्रस्ट आ जाएगा कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें कि हाँ कंपनी के अंदर दम है। और टोटल डेट कंपनी का 1000 करोड़ के आसपास है, 1047 करोड़, जो कि लास्ट ईयर का जो डेट था वो 1426 करोड़ था, लगभग 400 करोड़ के आसपास का कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। और अगर पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो मार्च 14 में कंपनी के ऊपर 1900 करोड़ का डेट था, जो कि ऑलमोस्ट 50% कम हो चुका है, 1047 करोड़ के आसपास का डेट कंपनी का रह गया है।
साथ ही अगर नेटवर्थ की बात करेंगे तो जहां मार्च 14 में कंपनी की नेटवर्थ 800 करोड़ थी, जो कि अब मोर देन 100% इंक्रीज होकर 1645 करोड़ की नेटवर्थ हो चुकी है कंपनी की। साथ ही रिजर्व की भी आप देख लीजिए, रिजर्व जहां पर 658 करोड़ के रिजर्व थे कंपनी के पास मार्च 14 में, वो अब 5 सालों में दुगने से भी ज़्यादा हो चुके हैं और 1470 के कंपनी के टोटल रिजर्व्स हो गए हैं। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का काफ़ी बेहतर है और डे बाय डे ईयर बाय ईयर बेहतर होता चला जा रहा है। इन्वेस्टमेंट 164 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का टोटल, जो कि 95 करोड़ का था 2014 के अंदर। साथ ही बुक वैल्यू भी आप देखेंगे 58 रुपीज़ से बढ़ के 93.77 रुपीज़ की बुक वैल्यू हो चुकी है कंपनी की टिल 2018। ओके, लास्ट ईयर बुक वैल्यू 84.74 की थी, जो कि लगभग 9 रुपीज़ के आसपास इंक्रीज होकर 93.77 रुपीज़ पहुँच चुकी है। ईयरली नंबर्स भी काफ़ी बेहतर कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मार्च 18 में कंपनी की जो टोटल रिवेन्यू जनरेट किया, जो सेल्स थी ऑपरेशंस के फ्रॉम ऑपरेशन से जो अर्निंग कमाई कर कंपनी ने, वो 2844 करोड़ की थी। जबकि मार्च 17 में लास्ट ईयर आप देखेंगे कि जो टोटल सेल्स थी वो 2628 करोड़ की थी, यानी कि अराउंड 200 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स बूस्टअप हुई है। और पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1100 करोड़ की सेल्स बूस्टअप की है कंपनी ने पिछले 5 सालों में, 2014 से लेकर 2018 तक। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज निल हैं। एंड इसके अलावा अदर इनकम्स लगभग 25.77 करोड़ है, जो कि लास्ट ईयर 26 करोड़ के आसपास थी। साथ ही एक्सेप्शनल आइटम्स कोई नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी कंपनी के लगभग 375 करोड़ है आप देख सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर 2017 में 231 करोड़ के केवल पीबीटी थे, इस बार 375 करोड़, यानी कि लगभग 150 करोड़ के आसपास के जो प्रॉफिट्स हैं वो राइज हुए हैं। और पिछले 5 सालों की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो शायद आप कंपनी की के बारे में किसी भी तरह के संदेह से बच जाएंगे। मार्च 2014 में कंपनी ने 122 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया था। मार्च 2015 में कंपनी ने 51 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया था। मार्च 2016 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई थी, 115 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। मार्च 2017 में कंपनी ने दुगना ऑलमोस्ट, यानी कि 100% लगभग प्रॉफिट राइज किया, 231 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। और अब कंपनी ने लगभग 150 करोड़, यानी कि तकरीबन आप मान के चलिए 60% का प्रॉफिट इंक्रीज किया है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर 2017, और 375 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस डिक्लेयर किया है। उसके बाद कुछ 115 करोड़ का टैक्स पेमेंट किया है कंपनी ने, जो कि लास्ट ईयर केवल 69 करोड़ का ही था। और उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट कंपनी की पॉकेट में गया, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ द 2008 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो 260 करोड़, यानी 260 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, जबकि मार्च 17 में केवल 160 करोड़, यानी कि एनुअली बेसिस पर 100 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कंपनी का। और ये इसकी रोबस्टनेस को बताती है, ये इसकी स्ट्रेंथ को बताती है। मार्च 14 में कंपनी जहां पर 77 करोड़ के नुकसान को दिखा रही थी, लॉस डिक्लेयर कर रही थी, वहीं 5 सालों में 77 करोड़ के लॉस से निकल के कंपनी 260 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंच चुकी है। सो इसीलिए ये मुझे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन और शानदार लग रहा है। ईपीएस आप देखेंगे तो 5.65 से इंक्रीज होकर 2014 में, यानी आप 5 सालों की बात करेंगे तो माइनस में से ईपीएस निकल के प्लस के 15.29 पहुंच चुकी है बेसिक ईपीएस, एंड 14.65 पहुंच चुकी है डायलूटेड ईपीएस। सो किसी भी तरह के डाउट्स की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कमेंट्स करेंगे बहुत सारी चीज़ें, बट वी ऑलवेज रन ऑन द फंडामेंटल ग्राउंड। हम किसी भी तरह से स्टॉक में टेक्निकली भागते हुए स्टॉक में एंट्री की हम लोग सजेशन नहीं देते। हम कोशिश करते हैं कि कब एक्युमुलेशन फीस आता है। देखिए, स्टॉक जब नीचे लेवल पर होता है, जब गिरावट के दौर में होता है, तो वो फेज़ आपका एक्युमुलेशन फेज़ होता है। वहाँ पर बड़े निवेशक, बड़े इन्वेस्टर्स अपनी एंट्री पोजीशन बना रहे होते हैं, क्योंकि एक बार स्टॉक भागना शुरू हो गया, फिर तो आपने 5% कमाया, 10% कमाया, 20% कमाया, या ज़्यादा से ज़्यादा 25-30% कमा लिया। लेकिन अगर आपने एक्युमुलेशन फेज़ में स्टॉक में एंट्री ले ली, तो आप मल्टीप्लाई में अर्न कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। ओके,
एंड क्वार्टरली नंबर की बात करते हैं, जून क्वार्टर के ऑलरेडी नंबर आ चुके हैं, अभी हम लोगों के सितंबर क्वार्टर के नंबर्स का वेट कर रहे हैं। एंड जून क्वार्टर के नंबर भी इसकी स्ट्रेंथ और रोबस्टनेस को बताते हैं। पिछले पाँच क्वार्टर की अगर आप बात देखेंगे तो पिछले पाँच क्वार्टर में हाईएस्ट सेल्स टर्नओवर रहा है कंपनी का जून 18 के अंदर। जून 17 में 632 करोड़ का टर्नओवर था, जून सितंबर 17 में 671 करोड़ का टर्नओवर था, दिसंबर 17 में 790 करोड़ का टर्नओवर था, मार्च 18 में 719 करोड़ का टर्नओवर था, एंड उसके बाद जून 18 में 795 करोड़, यानी हाईएस्ट इन द लास्ट 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में हाईएस्ट सेल्स टर्नओवर रहा है कंपनी का। साथ ही अगर पीबीटी की बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करते हैं, तो पिछले लास्ट 5 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में हाईएस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस डिक्लेयर किया है कंपनी ने जून 18 क्वार्टर में। जून 17 में 90 करोड़ का था, सितंबर 17 में कंपनी ने 81.48 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, उसके बाद दिसंबर 17 में कंपनी ने 92.29 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, मार्च 18 में कंपनी ने 111.24 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, एंड जून 18 में कंपनी ने 147.17 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया, एंड उसके बाद 52 करोड़ का कंपनी ने टैक्स पेमेंट किया, एंड फाइनली जो प्रॉफिट आया कंपनी को वो 95.15 करोड़ का आया जून 18 क्वार्टर में, जो कि मार्च 18 क्वार्टर के मुकाबले लगभग 22 करोड़ ज़्यादा था। आप समझ सकते हैं मार्च क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 22 करोड़ की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर पे कम से कम 35 करोड़ के प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की स्ट्रेंथ को आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को बताती है और बताती है कितना स्ट्रांग कंटेंडर है, कितना पोटेंशियली साउंड स्टॉक है जिसके अंदर अगर हमारा निवेश रहता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हमारा पैसा जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है और हम उस वेल्थ का यूटिलाइजेशन अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एंड ओवरऑल जो बेसिक ईपीएस है वो भी आप देखेंगे काफ़ी बेहतर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 3.7 लास्ट जून से इंक्रीज हो गए 5.37 पहुंच गई, जबकि मार्च 18 में केवल 4.19 थी। सो इस स्टॉक के बारे में किसी भी तरह का डाउट्स अगर आपके पास है स्टिल फंडामेंटल्स को देखने के बाद भी, तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। कुछ सजेशंस हैं तो सुझाव भी आपके आमंत्रित हैं, आप स्वागत है आपका, आप कमेंट कीजिएगा या मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं moneytreegrowing17@gmail.com। देर आर थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स एवरी डे इन माई इनबॉक्स, तो ऐसा संभव नहीं है कि मैं इमीडिएटली आंसर्स कर पाऊँ, क्योंकि रैंडमली मैं पिक करता हूँ ईमेल्स को जो भी मुझे टाइम मिलता है, उन रैंडमली ईमेल्स के मैं जो आंसर कर पाता हूँ, कोशिश करता हूँ उनके आंसर आप सभी को देता रहूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये इसके फंडामेंटल हैं। टेलीग्राम पर अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको टेलीग्राम के बारे में बता दिया, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड एज यू विश। बाकी अगर आप लोग नहीं भी ज्वाइन कर सकते, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, नो इशू। अगर आपको कोई क्रिटिकल क्वेरी, अगर आपको कैजुअल क्वेरीज पूछनी है, कहीं पर आप फंस गए हैं और आपको इमीडिएट उसका सोल्यूशन चाहिए, तब भी आप टेलीग्राम पर मुझे हिट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी अर्जेंसी में आपकी हेल्प कर पाऊँ दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों। पर चलते चलते मैं आपको टेक्निकल चार्ट जरूर दिखा देता हूँ। दिस इज़ द टेक्निकल वीकली चार्ट्स, और जो हमने बात की स्टॉक में, लगभग आप देख सकते हैं कि जो ये वाला लेवल है 155 का लेवल, एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ 155 जहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 155 लेवल अगर आपको मिलता है देन वेरी गुड ऑन द वीकली चार्ट पर, एंड वीकली चार्ट में आपको फ्राइडे के जो क्लोजिंग सेशन है उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक ने कहाँ तक अपना लो टच किया। सो 155 इज़ द वीकली सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। इसका एक बार 180-185 के आसपास से ऊपर निकल जाएगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा, देन दोस्तों ये स्टॉक आपको बहुत अच्छी और साउंड परफॉर्मेंस देगा। फिलहाल ये एक रेंज में है, 155 से 185 की रेंज चल रही है। बॉटम लेवल 155 आएगा, जो लोग ट्रेडिंग पर्पज के लिए ऐड करना चाहते हैं वो 185 के आसपास जाकर सेल आउट करके बाहर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे हम आप सभी से, और जेके पेपर लिमिटेड पर आप अपनी नज़र बना कर रखें, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अभी तो इसने जर्नी स्टार्ट की है। तो दोस्तों ये एक्युमुलेशन फेज है जेके पेपर का, अगर आप इसमें आज लॉन्ग करना शुरू करते हैं तो आज से कई सालों के बाद आप इसको मल्टी फोल्ड लेवल पर देखेंगे, यहाँ से कहीं 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 और बहुत ऊपर लेवल पर देख पाएंगे दोस्तों। तो ये हमने बात की पेपर इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।